तुझे क्या हो गया है? कहीं बाहर नहीं चलते, कहीं चलो भाभी बच्चों के साथ परिवारों को लेकर चलते हैं। वो सबको मना कर देता, मुझे पैसा कमाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। एक बार बच्चों ने ठान ली, सुबह सेठ नीचे उतरा और बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक पापा बाहर जाने के लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक कहीं नहीं, कुछ नहीं खाना पीना। रात को सेठ आया, पता चला कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सेठ को दौलत से प्यार था लेकिन बच्चों से भी प्यार था, जिद के आगे हार गया। बच्चों को उठाया और मना के कि हाँ किया कि जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे लेकिन खाना खा लो, और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। दूसरे दिन इष्ट मित्रों को बुलाया गया, 3 दिन की छुट्टी थी इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि 3 दिन में खाटू श्याम जी चलेंगे, सालासर जी चलेंगे, रानी सती दादी चलेंगे और राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरे हैं सबको दर्शन करके आएंगे। तय समय पर एक लग्जरी बस मंगाई, एयर कंडीशन, और सारे यार दोस्त मित्र उनके परिवार और अपना परिवार के साथ सेठ का परिवार गाड़ी में निकल गया। सारे रास्ते बस के अंदर में भजन बज रहे थे, ढपली बज रही थी, चंग बज रहे थे, मजीरे बज रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था। सेठ मोबाइल पर बिजनेस कर रहा था। खाटू आ गया, होटल में पहुंचे, नहा धोकर उतरे, कोई प्रसाद खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई पेट पलनिया जा रहा है, कोई भजन गा रहा है। सेठ मोबाइल में ये लिया वो बेचा, बाबा का मंदिर आ गया। पहली सीढ़ी पर चढ़ते वक्त भी सेठ के कानों में मोबाइल लगा था। सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झल्ला कर उसने वो मोबाइल छीन लिया। सेठ कसमसा कर रह गया। सेठ की बीवी ने कहा, शर्म नहीं आती, बाबा का दरबार आ गया, यहाँ भी व्यापार। सेठ कुछ नहीं कह सका, लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा सेठ को लगा कि कोई झटका लगा है। जब भी पहली बार कोई जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। एक एक सीढ़ी पर चढ़ता गया। बाबा के मंदिर में कितनी सीढ़ी? 13 सीढ़ी। 13 क्यों? 13 तुझको अर्पण। 13 सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सेठ पूरा बदल गया। जो ही बाबा के सामने पहुंचा, बाबा से नजरों से नजरें मिली, सेठ अपने होश खो बैठा, टकटकी लगाकर बाबा को देखे जा रहा है। मंदिर खाली था 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सेठ के परिवार ने, इष्ट मित्रों ने दर्शन किए, एक बार दो बार आकर सेठ का हाथ पकड़कर हिलाया, पूछा चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा, तुम जाओ मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था। सेठ ने बाबा से कहा, आंसुओं की धार निकल पड़ी। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैं तो सोचता था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन मैं गलत था बाबा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का कोई भी नशा फीका है। बाबा, सेठ ने कहा, बाबा मैंने सुना है हर 11 को आपका मंदिर सारी रात खुलता है और हर धर्मशाला में आपका कीर्तन होता है। मैं वादा करता हूं हर महीने आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा, मेरे शहर से जो आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लेके आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा पंजाब के लोगों से। पंजाब का नाम नशे के कारण थोड़ा सा, कोई भी नशा यदि आप करते हो, खाटू जाकर उस नशे को इस पर कुर्बान कर दो और कह दो, बाबा मुझे अपना नशा लगा दो, इस नशे से छुटकारा पा लो। प्रेमियों, इस नशे में जिंदगी बेकार है और इस नशे में जिंदगी आबाद है। सेठ वापस अपने घर आ गया। अब सेठ की दिनचर्या बदल गई। सुबह उठता, नहा धोकर मंदिर जाता, 10 बजे अपनी गद्दी पर आता, पहले पूजा पाठ करता और फिर गल्ला खोलता। शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता और मंदिर जाता, कीर्तनों में जाता। रात को 9 बजे घर आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने अगले महीने के पहले अपनी बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा जो 12 घंटे 15 घंटे खटकर वो कमाता था
उससे 20 गुना ज्यादा उसने 8 घंटे में कमा लिए। सेठ हर महीने खाटू जाने लगा, गाड़ी भर भर कर जाने लगा। 2-4-5 महीने बीते, 11 को सेठ खाटू जा रहा था। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा, मुनीम तुझे मालूम नहीं आज 11 है, बाबा के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी कल ही आपके पास एक व्यापारी का टेलीफोन आया था जो आज शाम को आने वाला है, बाहर से आएगा और 2 घंटे के लिए आएगा फिर चला जाएगा, 50 लाख का सौदा है, आपने उसको समय दिया है, आपको बाबा के दरबार में जाना है, आप 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा कि बात सही कह रहा है, व्यापारी भी अटेंड कर लूंगा और महीने में एक बार खाटू जाना है, 4 दिन बाद चले जाऊंगा। वो भूल गया कि उसने 11 का वादा किया था। 50 लाख का व्यापारी आया, सौदा कर लिया, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि उस व्यापारी से तो 50 लाख का सौदा हुआ, लेकिन जहां वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा कि अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा मावस को चला जाऊंगा। महीना निकल गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, सेठ फिर माया में उलझ गया, खाटू नहीं गया। एक रात को सेठ सोया, आधी रात को 2-2.5 बजे सेठ को लगा जैसे सपने में कोई आवाज आई, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा प्रेमी आया है जो पश्चाताप करने के लिए आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो एक व्यापारी है, सौदा करने आया है, एक सौदागर आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरबार में कभी नहीं आना। आवाज बंद हो गई, सेठ की नींद खुली, बहुत पछताया, फूट फूट कर रोया। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाकर खाटू जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पलंग से उतरने के लिए पांव नीचे जमीन पर रखे, खड़ा नहीं हो पाया, दोनों पांव ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस अटैक हो गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर आकर सोया था, सुबह व्हील चेयर पर आया, बहुत पछताया, अपने मकान के दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पर बैठा था। एक डाकिया बगल से निकला, उसने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली बंबई कलकत्ता रोज संदेशा इधर से उधर पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा मेरे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, भैया मेरा तो काम ही यही है, और आजकल तो जब से इंटरनेट आया है, व्हाट्सएप आया है, लोग ईमेल और व्हाट्सएप पर ही चैटिंग कर लेते हैं, आजकल तो मैं खाली हूं, बोलो तुम्हारा क्या संदेशा है। अब सेठ ने डाकिया को क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, और डाकिया ने खाटू वाले को जाकर क्या कहा, और खाटू वाले ने संदेशे के बदले में जवाब क्या भेजा। मैं निवेदन करूंगा, अगर आप कोई संदेशा सुनाना चाहते हैं तो आपको मैं इतना ही कह सकता हूं, 18 तारीख को 10वीं है, 19 तारीख को 11 है, मुझे खाटू पहुंचना है। अगर मैं जिंदा पहुंचा तो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी बाबा के दरबार में पहले लगाऊंगा। आपका डाकिया बनने के लिए मैं तैयार हूं। इस भजन की एक एक लाइन को सुनना और गाना, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके यहां बैठे बैठे आपका संदेशा बाबा के श्री चरणों में पहुंच जाएगा। आइए सभी मिलकर, निवेदन करूंगा कोई बात नहीं करना, और इस भजन के बीच में उठकर नहीं जाना। आइए, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। ये मारवाड़ी सब समझ में आ गया, किसको किसको आ गया, कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है, कौन कौन बोलेगा, मिलकर बोलना पड़ेगा। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने
जाइए। थोड़ा सा ढोल खोल दो सरदार जी, तालियां बजाना। ऐसे संदेशा नहीं जाएगा, तालियां बजानी पड़ेगी। डाकिया ने कहा क्या, कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मां ने बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मां ने बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पीछान, मैं हूं छोरो नहीं जान। कैया जानूंगा पीछान, मैं हूं छोरो नहीं जान। कैया श्याम सुहो से मिलन, डाकिया जा रे। किसको किसको समझ में आया, पुकार सुनने वाले की। खाटू का ठिकाना किसको किसको मालूम है, तालियों की आवाज है। सेठ ने क्या कहा, खाटू में श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। ड्योडी पर हनुमान बिराजे, सेवक चाव रडुलावे। हम्मा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जय। बोल खाटू नरेश की। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, किया जा रे। जय जय जय। डाकिया निकल पड़ा है, बजा लेना तालिया, संदेशा पहुंच जाएगा। पहुंच गयो दर बार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा डाकिया बस पकड़ के निकला, तालियां बजाना अपने में। बस पकड़ के खाटू पहुंचा, पूछते पूछते बाबा के मंदिर पहुंचा। डाकिया ने भी पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी झटका लगा। डाकिया भी एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, लेकिन तेरहवीं सीढ़ी चढ़कर डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। आपके घर में कभी भी डाकिया या कोरियर वाला आए, वो घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, पहले आपको नहीं देखता, पहले अपने थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर देखता है। डाकिया ने भी पहले थैले में हाथ डाला, चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा की तरफ देखा,
लाठी हाथ से सरक गई। टकटकी लगाकर देखने लगा, बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। कब वो श्याम दीवाना बन गया, उसको होश ही नहीं रहा, डाकिया जमीन पर गिर गया, सिर पटकने लगा, बाबा से कहने लगा, बाबा पिछले 40-42 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के दो चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल जानने आज तक कोई नहीं आया। कहा बाबा 2-4 महीने में मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं अब आखड़ लिया सुबर सीधार जैया सावन के फुहार, आखड़ लिया सुबर सीधार जैया सावन की। डाकिया ने कहा बाबा लेकिन मैं अब डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो, अपने दरबार में रख लो, तनख्वाह में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिन में आपके भोग की आधी रोटी और शाम को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी, मैं आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर दूंगा। आखड़ लिया सुबर सीधार जैया सावन के फुहार, देख सावरिया बोलो ये वचन। अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई, अरे पगले तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? जिस सेठ का संदेशा लेके आया है क्या वो जाकर उसको उसका जवाब सुना देगा? डाके ने कहा अरे हो भाग्य केवट के, जो भाव सागर पार करवाने वाले ने केवट को कहा मुझे गंगा पार करा दे, और अहो भाग्य मुझ नालायक के, जो दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं मेरा काम बना दे। बाबा ने कहा डाकिया जा रे, संदेशो सेवक ने दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशो सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक यारा है तेरी निरखे। डाकिया जा रे, अब की बार हाथ उठा लो, बाबा का संदेशा लेकर डाकिया आ रहे, चिट्ठी लेकर आ रहे, क्या पता वो चिट्ठी आपके नाम पर हो, क्या पता वो आपके नाम पर हो, क्या पता वो आपके नाम पर हो। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है खाटू से चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है खाटू से चिट्ठी, आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है खाटू से चिट्ठी, आई है। डाकिया रात को 2:30 बजे सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला सोया था। तालियां बजा। डाकिया ने रात को 2:30 बजे सेठ के दरवाजे की घंटी बजाई, सेठ की नींद खुली,
उसे लगा 2:30 बजे रात को कौन आया है। अचानक उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, वो भूल गया कि उसके पांव काम नहीं कर रहे हैं। बरकि बड़ी मुश्किल से घसीटते घसीटते व्हील चेयर तक पर पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी धक्का देते हुए दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 4-5 बार घंटी बजा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ लगाया, लेकिन हैंडल टस से मस नहीं हुआ। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 15-20 मिनट निकल गए, दरवाजा नहीं खुल रहा था। डाकिया बार बार बाहर से घंटी बजा रहा था। सेठ का धैर्य जवाब दे गया। सेठ माता पटकने लगा हैंडल पर। उसने कहा, बाबा मैं मानता हूं मैंने गुनाह किया है, मैंने वादा तोड़ा है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, बस एक बार मुझे डाकिया से मिलवा दो, एक बार आपका संदेशा सुना दो, उसके बाद इसे जीवन ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। और सेठ ने आओ देखा ना ताओ, हैंडल पर दोनों हाथ लगाया और पूरी ताकत लगाकर एक जयकार लगाई, हारे के सहारे की। बाबा का चमत्कार हो गया, व्हील चेयर पीछे खिसक गई, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया। चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया, एक दूसरे के गले लगने लगे। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ को देने लगा। सेठ दूर हो गया, मैं पापी, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, आप बाबा के पास जाकर आए हो, आप सुनाओ बाबा ने क्या कहा। अब डाकिया ने संदेश सुनाया। सुनो, वो संदेश सिर्फ सेठ के लिए नहीं, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए है। बाबा ने कहा, कह दीजिए तू जाय सेवक ने, तेरो बुलावो आसी, कह दीजे तू जाय सेवक ने, तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कहीं रह जासी, सबकी आशा पूरी करता हूं तो तू कैसे रह जाएगा। हो तेरी सारी जानू बात पूरी कर सू मन की आस, तेरी सब बात जानता हूं और तेरी हर आस पूरी करूंगा, लेकिन पर बढ़ा मेरे कानी कदम ताकि आ जा से डाकिया जा रे। अब डाकिया का संदेशा सुना, सेठ का क्या हाल हुआ? सुन संदेशो सांवरिये को मनडो घणो हरसायो। मारवाड़ी समझ में आई? बाबा का संदेशा सुनकर मन हरसाने लगा। बंध गया पांव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। एक कहावत है ना, पांव में घुंघरू बंध गए और मन का मोर नाचने लगा। उसको लगा जैसे पांव में घुंघरू बंध गए और वो मोर बनकर नाच रहा है। मारो श्याम पड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार, मारो
महिमा गावे है कमल किशन। डाकिया जा रे, देखो भजन खत्म हो गया। कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है? मैं माइक में नहीं बोलूंगा, ये दो लाइनें आपको गाना है, पूरी ताकत से गाना है। क्या? डाकिया जा रे, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। बोलिए लखदातार की आइए।